हाय एवरीवन, दिस वीडियो इज द पार्ट ऑफ आवर प्रीमियम कंटेंट। अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटेटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर मोर फ्री कॉन्टेंट यू कैन डाउनलोड द ऐप और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सअप एट द गिवन नंबर बिलो एंड एंजॉय द लेक्चर। बजट लाइन या फिर इसी को हम बजट कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। देखिए, अभी तक आपने आईसी पढ़ा, आईसी में हमने पढ़ा कि आईसी क्या बताता है हमको इन डिफरेंस का, कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, जो सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट अब हमको पढ़ना क्यों है, जब हमें ये पता चल गया कि हमको कितना गुड कंज्यूम करना है, हमारा सेटिस्फेक्शन पॉइंट क्या है, तो व्हाट इज द नीड टू अंडरस्टैंड बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट। फर्स्ट स्पेस पे हमको यही समझना है कि हम बजट लाइन को पढ़े ही क्यों, हम बजट कंस्ट्रेंट को पढ़े ही क्यों, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इंडिफरेंस कर्व हमारा अल्टरनेटिव और डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड्स को बताता है जो कि सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। सेम वे जो मेरा कंज्यूमर है उसका कोशिश होता है कि वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करे, और जब वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करता है तो वो हायर आईसी की तरफ मूव करता है, इतना भी हम सबको पता है। तो जब कंज्यूमर हायर आईसी की तरफ मूव करता है तो उसमें उसको ज्यादा से ज्यादा गुड खरीदने होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा गुड खरीदने के लिए उसको क्या चाहिए होता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आईसी में वो गुड्स खरीदता है जिन गुड्स से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, ये सेटिस्फेक्शन बेटा जो है वो कंज्यूमर हायर आईसी की तरफ मूव करता है, क्योंकि हायर आईसी मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन। और जब उसको हायर सेटिस्फेक्शन मिला तो उसने ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदे बाय मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स केवल हम इकोनॉमिक्स की बात करें, जब उसने ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदे तो उसको दो प्रॉब्लम्स आई, या फिर उसके पास दो चुनौतियां आई। उसके पास क्या हुआ, दो कंस्ट्रेंट्स आए। इस कंस्ट्रेंट में क्या है, दो जो उसके पास कंस्ट्रेंट आए वो कौन कौन से है। पहला तो ये कि वो जितना भी गुड खरीदेगा उसके लिए उसको प्राइस पे करना पड़ेगा, और दूसरा उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है, उसकी मनी इनकम क्या है, लिमिटेड है। यहां तक तो आपको पहले ही मैंने पढ़ा दिया था, ज्यादा से ज्यादा गुड खरीदेगा। बट अब हम उससे आगे का डिस्कशन करना चाहते हैं, ज्यादा गुड खरीदने में उसको कंस्ट्रेंट क्या है। पहला उसको प्राइस पे करना है, और दूसरा उसको पास जो इनकम है, मनी इनकम, वो लिमिटेड है जिससे वो गुड्स को खरीदेगा। तो वो गुड्स को खरीदने में कितना सक्षम है, और वो कितने गुड्स खरीद पाता है, और वो अपने मनी इनकम को किस तरीके से दोनों गुड्स पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, यही सब हमको पढ़ना है अंडर बजट लाइन। तो समझ में आया कि बजट लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। डिटेल में करते हैं बजट लाइन, समझते हैं बजट लाइन है क्या। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर है, लेट्स से ही इज द कंज्यूमर एंड ही हैज 50 रुपीज इनकम, ठीक है।
₹50 की इनकम है और इस इनकम को उसको दो गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक एक्स में और एक वाई में। इतना समझ में आया? अब लेट्स से एक्स क्वांटिटी जो एक्स जो गुड है उसका प्राइस ₹10 है और जो वाई है उसका प्राइस 5 है, ठीक है। ₹50 की इनकम है, दो गुड्स हमको खरीदने हैं, एक्स की कीमत ₹10 है और वाई की कीमत ₹5 है, ठीक है। अब लेट्स से हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसमें इस सिनेरियो में अगर ये जो कंज्यूमर है यह कंज्यूमर सारा का सारा पैसा एक्स को खरीदने में लगा देगा, सारा का सारा पैसा उसने एक्स को खरीदने में लगाया, तो वो कितनी क्वांटिटी खरीद पाएगा? ₹50 उसकी इनकम है टोटल, ₹10 प्राइस है, अगर वो सारी इनकम अपनी एक्स को खरीदने में लगा देता है तो वो ₹5 ले पाएगा। सेम वे अगर वो अपनी सारी इनकम वाई को खरीदने में लगा देता है तो वो कितनी कमोडिटी कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है? ₹50 इनकम है और जो ₹5 की कीमत है ये आ गया मेरा 10। सारी की सारी इनकम खर्च करने के बाद आपको 5 यूनिट एक्स के मिलेंगे और अगर आप सारी इनकम वाई पे खर्च करेंगे तो आपको यूनिट वाई की 10 यूनिट मिलेंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x एंड 10y। इसको ड्रॉ करते हैं, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एक्स 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। अगर मैं सारी की सारी इनकम एक्स पे खर्च कर रही हूं तो मैं कितना कंज्यूम कर सकती हूँ? 5। अगर मैं सारी की सारी इनकम वाई पे खर्च करती हूँ तो मैं कितनी यूनिट कंज्यूम कर सकती हूँ? 10। इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। जब मैंने इसको मिलाया तो ये मेरी क्या बनकर आई? बजट लाइन और प्राइस लाइन। ये मेरी बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन कैसे बनके आई? बजट लाइन शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बजट लाइन की डेफिनेशन की बात अब हम करते हैं, ठीक है। बजट लाइन की डेफिनेशन क्या है? बजट लाइन शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच द कंज्यूमर कैन बाय बाय स्पेंडिंग ऑल ऑफ हिज मनी इनकम, ऑल ऑफ हिज मनी इनकम। मनी इनकम वो किस पे खर्च करेगा? ऑन द टू गुड्स एट गिवन प्राइसेस। देखिए बजट लाइन की डेफिनेशन क्या बोल रही है? बजट लाइन शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉम्बिनेशंस, कौन से कॉम्बिनेशंस बेटा? वो सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। गुड्स कितने हैं? दो हैं, एक एक्स एक वाई, विच द कंज्यूमर कैन बाय। वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर बाय कर सकता है बाई स्पेंडिंग ऑल ऑफ हिज मनी इनकम, वो अपनी सारी मनी इनकम को खर्च कर रहा है और जो प्राइस है वो गिवन है। तो यहां से दो चीजें निकल कर आई, पहली कि बजट लाइन कोई कॉम्बिनेशंस बता रही है और दूसरा इसमें दो अजम्पशंस भी निकल कर आई। पहली अजम्पशन कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है, जो कि हम हमेशा से मानते हैं। दूसरी अजम्पशन जो इसमें हमें पता चली कि वो अपनी मनी इनकम जो है वो सारी खर्च कर रहा है, मनी इनकम कंप्लीटली खर्च कर रहा है वो, ठीक है। और उसका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, मतलब
अगर वो किसी गुड्स को खरीदता है उसका प्राइस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, प्राइस सेम रहेगा। तो हमें डेफिनेशन में क्लैरिटी मिल गई कि बजट लाइन शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाई, दो गुड्स कंज्यूमर खरीद सकता है अगर अपनी सारी मनी इनकम खर्च करें और दो गुड्स गिवन प्राइसेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब आप बोलोगे मैम बिल्कुल सही बात है, दो गुड्स आपने बोला, दो गुड्स हमारे पास हो गए, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया, हमने अपनी सारी मनी इनकम लगा दी, 50 रुपए थे हमने सारे एक्स पे खर्च कर दिए, सारे वाई पे खर्च कर दिए, ठीक है। बट मैम एक ना छोटा सा कंफ्यूजन है, ये कॉम्बिनेशंस वाली बात कहाँ से आई, व्हाट डज दैट मीन बाय कॉम्बिनेशंस। देखिए कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि जब हमने एक्स और वाई का कंजम्पशन किया, ठीक है, जब हमने एक्स और वाई हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं ये डिसाइड किया, तो हमको मिला एक्स 5 यूनिट और वाई 10 यूनिट। बट इनको जॉइन करने के बाद जो हमें लाइन मिली, इनको जॉइन करने के बाद जो हमें लाइन मिली है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट वो कॉम्बिनेशन हैं जो कंज्यूमर खरीद सकता है और उसका सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर डिसाइड करता है कि मेरे को 5 नहीं खरीदने, मेरे को क्या खरीदने हैं, लेट्स से कंज्यूमर इस पॉइंट पे डिसाइड करता है कि मेरे को इस पॉइंट पे पहला पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, ये मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, ठीक है। नाउ इफ कंज्यूमर्स डिसाइड कि मेरे को सारा का सारा खर्चा केवल वाई या केवल एक्स पे नहीं करना है, मेरे को कुछ एक्स चाहिए और कुछ वाई चाहिए, तो हमारा कंज्यूमर इस पॉइंट पे आया, तो अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, वाई 4 कंज्यूम कर रहा है और एक्स कितना कंज्यूम कर रहा है, एक्स 3.5 कंज्यूम कर रहा है। इसी तरीके से एक ऑप्शन कंज्यूमर के पास ये भी है कि वो 7 यूनिट वाई की कंज्यूम करे और वो एक्स के कितने यूनिट कंज्यूम करे इसके रिस्पेक्ट में, एक्स की वो 2.5 यूनिट कंज्यूम करे। कॉम्बिनेशन से मतलब यह है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स एक यूनिक कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, क्योंकि लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट हैं तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हैं, क्योंकि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हैं तो उन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन से आपको इनफाइनाइट बंडल ऑफ गुड्स मिल रहे हैं जिनसे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आई होप आपको बजट लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इतने में, ठीक है। और अभी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये कॉम्बिनेशन वाली बात पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स को बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमने यहाँ पे पहला बंडल जो बनाया वो हमने बनाया कि हमने 10 यूनिट वाई के खरीदे और एक्स के हमने 0 यूनिट खरीदे, ठीक है। सारा का सारा पैसा हमने वाई पे लगा दिया था, तो हम किसने खर्च कर पास रहे, 10, और एक्स उस केस में हम कितना खरीद रहे थे, 0। अब लेट्स से हम वाई को कम करते हैं, वाई हमने 2 यूनिट से कम किया और एक्स हमने 1 यूनिट से बढ़ा दिया, एक कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो गया, ये हो गया। इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है 6y 2x, इसी के साथ में हमारा एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है विच इज 4y 3x, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर योर क्लैरिटी जो मैंने बोला कि सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, इसमें वैल्यू को पुट करके देखते हैं। एक्स का प्राइस क्या था, 10, और वाई का प्राइस क्या था, 5। वैल्यू को पुट कीजिए, इसमें 10 हम यूनिट वाई के खरीद रहे हैं तो 10 × 5 = 50, क्योंकि इसमें एक्स हम बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे हैं। इसी तरीके से जो मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन है उसमें हम वाई कितने खरीद रहे हैं, 8। वाई कितना है पर यूनिट, 5, 8 × 5 प्लस एक्स हम कितना खरीद रहे हैं, 10, तो ये क्या हो गया, 8 × 5 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। 6, 5, वाई कितने का है, 5 का, और एक्स कितने का है, 10 का, तो 6 × 5 30
प्लस 20 50, देन 4 × 5 प्लस 3 × 10 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। अब मैं यहां पे 5x खरीद रही हूं और 0y, 5 × 10 प्लस 0 ये मेरा हो गया 50। अब इस बजट लाइन पे फिर से गौर फरमाइए, मैं चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन लू, 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 मेरे पहली बात तो पूरे 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, और अगेन मेरी सेटिस्फेक्शन वुड बी सेम, ठीक है, सारे पैसे मैंने अपने खर्च कर दिए अकॉर्डिंग टू द गिवन प्राइस। और ये जो केसेस थे एक्सट्रीम वाले 10y 0x और 5x 0y, ये मैंने इस पे ड्रॉ कर दिए। आप चाहें तो सारे के सारे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा अगर आप सारे के सारे पॉइंट्स भी ड्रॉ करके देखना चाहते हैं तो। ठीक है, समझ में आया? क्या मुझे इसको ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत है? बेटा ये सिंपल ना मैथमेटिक्स का ग्राफ है, अब मैं इसमें आपको क्या ही ड्रॉ करके दिखाऊं। ठीक है, अब समझ में आ गया? बजट लाइन जो हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट, अगर हम इसको ग्राफिकली बात करें तो ये बजट लाइन ग्राफिकली हमको क्या बताती है? बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट ग्राफिकली बजट लाइन कैसे बताती है बेटा, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, कंज्यूमर के पास जितना भी पैसा है ना, उस पैसे से वो या तो वो सारे कॉम्बिनेशन खरीद सकता है जो इस पॉइंट पर है, यानी कि जो लाइन ए बी पर है। अगर मैं इस पॉइंट को बी बोल दिया मैंने और इस पॉइंट को ए बोल दिया, तो ए बी पे जो पॉइंट्स हैं, कंज्यूमर या तो उसे खरीद सकता है या फिर उससे कम खरीद सकता है। क्या कंज्यूमर इस पॉइंट को कंज्यूम कर सकता है? एच कंज्यूमर एच पॉइंट को कंज्यूम कर सकता है? देखिए, एच पॉइंट को हो सकता है वो कंज्यूम करना चाहे, उसका मन हो, बट वो एच पॉइंट को कभी भी कंज्यूम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम अलाउ नहीं कर रही है। उसकी इनकम जो अलाउ कर रही है वो इस लाइन के पॉइंट्स को ही कर रही है, अगर वो सारे पैसे खर्च करता है तो। ठीक है, तो एक मायने में देखा जाए ये लाइन हमारी कंस्ट्रेंट बता रही है, ये लाइन हमारा ये बता रही है कि हमारे लिए इस लाइन के राइट साइड में, इस लाइन के राइट साइड में सारे पॉइंट अनअटेनेबल हो जाते हैं, यानी कि इस पॉइंट के राइट साइड में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम अपनी फिलहाल की इनकम से खरीद पाए। क्योंकि हम अपने फिलहाल की इनकम से नहीं खरीद सकते हैं तो वो हमारी लिमिटेशन शो कर रही है, वो हमारी कंस्ट्रेंट बता रही है, वो हमारी कमी बता रही है। कंस्ट्रेंट का मतलब बेसिकली कमी होता है। तो जब हम बजट लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारा बजट कंस्ट्रेंट भी हो जाता है। ठीक है, अब इसी में बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट में ही एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए बजट स्पेस का। ठीक है, बजट नहीं, पहले मैं आपको मैथमेटिकली इक्वेशंस को लिखना सिखा देती हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है बजट लाइन की? देखिए, लेट्स से px हमारा प्राइस ऑफ गुड x बता रहा है, py हमारा प्राइस ऑफ गुड y बता रहा है, m जो है वो इनकम ऑफ कंज्यूमर बता रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, बजट लाइन को हम एल्जेब्रिकली कैसे लिख सकते हैं? हमने प्राइस ऑफ एक्स, जितना भी एक्स का प्राइस है उसमें से कितनी एक्स की कमोडिटी खरीदी, प्लस प्राइस ऑफ वाई, जितना हमने वाई की क्वांटिटी खरीदी, और दोनों किसके इक्वल होंगे? मनी इनकम। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे
हमने जो कॉम्बिनेशंस बनाए इन कॉम्बिनेशंस को उठा के देखते हैं. 8y 1x 6y 2x, 8y 1x, ये कॉम्बिनेशन हम बना के देखते हैं. तो x हमने कितना खरीदा, x की जगह हमने x लिख दिया. ओ x हमने कितना खरीदा, 1. x का प्राइस क्या था, 10. y हमने कितना खरीदा, 8. y का प्राइस क्या था, 5. इज इक्वल टू इनकम कितनी थी, 50. 10 एकम 10 प्लस 8 पंजे 40 इज इक्वल टू 50. 50 इज इक्वल टू 50. यानी कि ये हमारी बजट लाइन की इक्वेशन जो है वो बिल्कुल फिट बैठती है. इधर देखिए, जो मैंने बजट लाइन पढ़ाया ना आपको, 8y 1x 6y 2x, यहाँ पे जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई ना, इसी का जेनरिक फॉर्म जो है वो बजट लाइन है. अगर इसी को हम इस जनरल नोटेशंस में लिख दें तो यही बजट लाइन है. ये 8 क्या है मेरा, प्राइस ऑफ वाई. वाई 5 क्या है, वो 8 क्या है मेरा, वाई. 8 क्या है, वाई की क्वांटिटी. 5 क्या है मेरा, प्राइस ऑफ वाई. प्लस 1 क्या है, एक्स की क्वांटिटी. प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू एम. मनी इनकम के इक्वल आ गया था ना सब, मनी इनकम के. ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इक्वेशन को कैसे बता सकते हैं, px into x plus py into y is equal to m. इतना क्लियर हो गया. अब इसी इक्वेशन से ना कुछ चीजें हमको समझनी है. px into x plus py into y is equal to m. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना सारा का सारा पैसा केवल x पे खर्च करें और y का कोई भी क्वांटिटी ना खरीदें, मैंने भी बताया था, तो y की हमने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की, 0. उस केस में देखते हैं क्या होता है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई, वाई क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एम. क्योंकि ये 0 हो गया तो उस केस में क्या हुआ, पी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एम. और यहां से x की कितनी क्वांटिटी हम कंज्यूम करेंगे, m डिवाइड बाई पी एक्स. सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि हम x की कोई भी कॉमोडिटी को कंज्यूम नहीं करेंगे, x की एक भी क्वांटिटी को कंज्यूम नहीं करेंगे, एक भी यूनिट को नहीं कंज्यूम करेंगे, और सारा का सारा पैसा हम अपना किस पे खर्च करेंगे, y पे खर्च करेंगे. सारा का सारा पैसा हमने y पे खर्च कर दिया, तो अब देखते हैं क्या हुआ, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम. क्योंकि हम x की एक भी कॉमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर रहे तो x हमारा 0 हो जाएगा, प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम. ये 0 हो गया तो पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम, वाई इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई पी वाई. ये मेरे क्या आ गए, इंटरसेप्ट आ गए. मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन बताया था, ये मेरा y इंटरसेप्ट है और ये मेरा x इंटरसेप्ट है. अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसको भी रख के देख सकते हैं कि अगर मैं सारा का सारा पैसा y पे खर्च कर रही हूं तो मैं कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकती हूँ, जितनी मेरी इनकम है और जितना प्राइस है. सबसे पहले यही बताया था. इसी तरीके से अगर मैं अपनी सारी की सारी इनकम x पे खर्च कर रही हूँ तो मैं कितना कंज्यूम कर सकती हूँ, इनकम मेरी 50 है, प्राइस मेरा 10 है, इज इक्वल टू 5. इतना क्लियर हुआ, इतने में कोई कंफ्यूजन है नहीं. एक बार फिर से बजट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं. ठीक है, लेट्स से दिस इज माय बजट लाइन. ये जो मेरी बजट लाइन है ना, ये पूरी बजट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है इस लाइन की, px into x plus py into y is equal to m. ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, x इंटरसेप्ट क्या निकल के आया था मेरा, m डिवाइड बाई px. y इंटरसेप्ट क्या निकल के आया था, m डिवाइड बाई py. इतना क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है. h पॉइंट जो है वो अनअटेनेबल पॉइंट था, क्योंकि मेरी मनी इनकम जो है वो मुझे इस लाइन से मूव करने के, इस लाइन से बियॉन्ड मूव करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, एंड आई नो दिस थिंग. ठीक है,
तो ये मेरा कंस्ट्रेंट भी हो गया, दिस इज माय बजट लाइन एंड बजट कंस्ट्रेंट। क्यों? क्योंकि मैं इसके बियॉन्ड मूव नहीं कर सकता। पॉइंट एस जो है वो अटेनेबल है, लेकिन क्या ये बजट लाइन का पॉइंट माना जाएगा? ये बजट लाइन का पॉइंट नहीं माना जाएगा। ये बजट लाइन का पॉइंट क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें एक अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही है, और वो अजम्पशन है कि ऑल ऑफ मनी इनकम आर स्पेंट। मैंने क्या माना था? मैंने माना था कि मेरी सारी मनी इनकम जो है ना वो खर्च होनी चाहिए। अगर मेरी सारी मनी इनकम खर्च नहीं होगी तो फिर बजट लाइन का कॉन्सेप्ट हम बजट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अटेनेबल है ये, ठीक है, बट सारी मनी इनकम मैं खर्च नहीं कर रही हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसी में एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए बजट स्पेस का, ठीक है। देखिए बजट स्पेस और बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट में क्या डिफरेंस है? बजट स्पेस का मतलब होता है ए सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच कैन बी परचेज बाई स्पेंडिंग द होल और पार्ट ऑफ द गिवन इनकम। बेसिकली जब हमने बजट लाइन पढ़ा, तो बजट लाइन में मैंने जब आपको डेफिनेशन पढ़ाई, तो मैंने इसमें आपको बजट लाइन की डेफिनेशन में पढ़ाई, शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाई स्पेंडिंग ऑल ऑफ हिज इनकम मनी इनकम ऑन द टू गुड्स एट द गिवन प्राइसेस। अगर मैं इसी डेफिनेशन में एक वर्ड एड कर दू, स्पेंडिंग ऑल और पार्ट, अगर मैं सारी इनकम खर्च कर रही हूं तो मैं बजट लाइन की बात कर रही हूं, लेकिन अगर मैं बजट लाइन से कम की बात कर रही हूं, अगर मैं अपनी पूरी मनी इनकम खर्च नहीं कर रही हूं, और तो भी कुछ तो कॉमोडिटीज के पॉइंट होंगे ना, कुछ तो बंडल होंगे ना। ये देखो जिस तरीके से ये एस पॉइंट है, इस तरीके से टी पॉइंट, आर पॉइंट, आर एस टी, ये जो पॉइंट्स है तो ये भी बंडल सी है, तो ये भी अफोर्डेबल ही, खरीद तो मैं इनको भी सकता हूं, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स, जब मैं वो पॉइंट कंसिडर करूंगा, अगर मैं सारी इनकम नहीं भी खर्च कर रहा हूं, तो मेरा क्या पॉइंट है, तो मेरा क्या बंडल ऑफ कंजम्पशन है, वो बजट स्पेस का पार्ट बन जाता है। यानी कि इससे नीचे और इस लाइन को हम बोलते हैं बजट स्पेस। बेसिकली बजट लाइन में एक स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है, बजट लाइन में आपकी एक स्ट्रिक्ट कंडीशन होगी कि आपको अपनी सारी इनकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन बजट स्पेस में जरूरी नहीं है कि आप अपनी सारी की सारी इनकम खर्च करें। दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप अपनी सारी इनकम खर्च करें। हो सकता है आप उससे कम इनकम खर्च करें, और वो सारे पॉइंट्स जो आपको, वो सारे कॉम्बिनेशन, वो सारे बंडल्स जो आपको एक कम पैसे खर्च करने से मिलते हैं, वो आपके क्या होते हैं, बजट स्पेस का पार्ट होते हैं। 50 रुपए का हमने बजट माना था, लेट्स से आपने 40 रुपीज ही खर्च किए, तो वो आपके बजट स्पेस का पार्ट हो जाएगा, बजट लाइन का पार्ट नहीं होगा। इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि बजट स्पेस जो है वो बजट लाइन हो सकता है, लेकिन बजट लाइन जो है वो कभी भी बजट स्पेस नहीं होगा। बजट स्पेस में जैसे ही हम सारी मनी इनकम खर्च कर देंगे, हम बजट लाइन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन बजट लाइन कभी भी बजट स्पेस नहीं हो सकती है। तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिएगा। पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम, ये बजट लाइन की इक्वेशन थी। और अगर मैं बजट स्पेस की इक्वेशन लिखना चाहूं, तो प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल तो आएगा ही आएगा, साथ में लेस देन भी आ जाएगा, समझे। यानी कि मनी इनकम से कम या बराबर, दोनों ही केसेस में बजट स्पेस है। अगर मैं ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को हटा के इसको इक्वल कर दूंगी, तो वो बजट लाइन हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर बजट स्पेस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, बस मैंने इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स कर दी है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बजट लाइन बजट स्पेस। कई बार क्या होता है, एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जो दो नंबर के या पांच नंबर के कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम में, उनमें ये सब चीजें पूछ लेते हैं और फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, ठीक है बेटा। आई होप इतना आपको क्लियर
हो गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बजट लाइन, बजट स्पेस में एक ही डिफरेंस है, बजट लाइन में सारे पैसे खर्च करने हैं और सारे पैसे खर्च करके लाइन पे जो कॉम्बिनेशन आएंगे। बजट स्पेस में आपको सारे पैसे खर्च नहीं करने, आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो, लेकिन अगर आप कम पैसे खर्च करते हो वो आपको पूरा एक स्पेस बता रहा है, वो आपको एक पूरा एरिया बता रहा है, ठीक है। वो कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है, बजट लाइन एक पर्टिकुलर लाइन है, लेकिन बजट स्पेस पूरा स्पेस है, एक एरिया है, ठीक है। तो क्विकली रैप अप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। मैंने आपको पढ़ाया बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का, जो कंज्यूमर अटेन करता है डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड्स, और जो कि कंज्यूमर अपने गिवन मनी इनकम और प्राइसेस से खरीदता है। इसमें दो अजम्पशन हमने मानी कि जो कंज्यूमर है उसको अपनी पूरी मनी इनकम खर्च कर देता है, और दूसरा उसका जो प्राइसेस होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे ही वो कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है उससे उसके प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन हमने बजट लाइन को ड्रॉ किया, डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स निकाले, मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली, और फिर इसी के साथ में मैंने आपको बजट स्पेस का कॉन्सेप्ट भी बताया। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माई एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई सी यू अगेन। कीप लविंग अस। थैंक यू सो मच।